हाय फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवीटी मैक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पीलीभीत जंक्शन की नई अपडेट लेकर आए हैं। दोस्तों, पीलीभीत में ट्रैक का काफ़ी वर्क चल रहा है। दोस्तों, जो इंटरलॉकिंग का काम है और रिवाइंडिंग का काम दोनों एक साथ चल रहे हैं और सारी ट्रैक एक दूसरे से जोड़ी जा रही हैं। दोस्तों, उसी पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। हमारे साथ वीडियो पर बने रहिएगा। नए दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन को भी दबा लें आने वाली वीडियो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, इस टाइम हम मंडी समिति क्रॉसिंग के आगे जो बरेली की ट्रैक जाती है दोस्तों, वहाँ पर हम खड़े हुए हैं। इस जगह की हम अपने चैनल के माध्यम से कई बार वीडियो डाल चुके हैं। फिलहाल आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ये वाली ट्रैक जो आपको दिख रही है, बरेली वाली मेन ट्रैक से लिंक कर दिया गया है। दोस्तों, ये बीच में आपने पंडाल बना हुआ देखा था। दोस्तों, ये रेलवे के जो अधिकारी हैं इंटरलॉकिंग से जुड़े काम में, दोस्तों वायरलेस का एक रूम की तरीके से इन्होंने बनाया है। दोस्तों, ये दो जगह बनाया हुआ गया है। फिलहाल यहाँ से हम ट्रैक पर नज़र डाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम वापस आकर आपको बताएंगे किस लिए लगाया गया है। दोस्तों, ये ट्रैक सीधी जो राइट साइड में है वो बरेली की मेन ट्रैक है जो पहले से ही पड़ी हुई है, और लेफ्ट साइड में दोस्तों ये ट्रैक जा रही है। ये सामने इस वाली ट्रैक में दोस्तों लिंक कर दिया गया है। अभी 4 से 5 दिन पहले दोस्तों इस ट्रैक को यहाँ से लिंक किया गया था और लगभग 3 से 4 घंटे का यहाँ पर मेगा ब्लॉक लिया गया था। फिलहाल यहाँ पर देखिए, ये ट्रैक यहाँ से लिंक कर दी गई है और ये प्लेटफार्म नंबर 3 और 4 की ट्रैक में सीधी दोस्तों जोड़ दी गई है। यहाँ से सीधी ट्रैक प्लेटफार्म नंबर 3 व 4 पर दोस्तों ये जाएगी। फिलहाल यहाँ से नज़र डाल लीजिएगा और आगे लेकर चल रहे हैं। इसके बाद हम दोस्तों प्लेटफार्म नंबर 3 व 4 की ट्रैक की तरफ भी आपको लेकर चलेंगे। जो ये ट्रैक जा रही है दोस्तों, ये प्लेटफार्म नंबर 3 और 4 की ट्रैक से मिलाई गई है। फिलहाल यहाँ से नज़र डाल लीजिएगा, ये यहाँ से बरेली की मेन ट्रैक बना दी गई है। दोस्तों, इसको यहाँ से लिंक कर दिया गया है और ये सीधा रूट बरेली की तरफ गया हुआ है। दोस्तों, ये देखिए, और ये मोटर बॉक्स भी दोस्तों यहाँ पर लगा दिया गया है। ये यहाँ से नज़र डालिए, सामने बरेली की ट्रैक है और ये स्टेशन की दिशा है। दोस्तों, आगे लेकर हम आपको अभी चलते हैं। फिलहाल यहाँ से नज़र डाल लीजिएगा, ये ट्रैक में यहाँ से लिंक कर दिया गया है। देखिए, यहाँ से हम अब वापस जा रहे हैं और जो प्लेटफार्म नंबर 3 व 4 की ट्रैक है दोस्तों, जो सीधी स्टेशन पर जोड़ी गई है प्लेटफार्म नंबर 3 व 4 पर, वहाँ पर हम आपको लेकर चलते हैं। फिलहाल यहाँ से नज़र डाल लीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, एक कैची भी बनाई गई है। उसके आगे जो इंटरलॉकिंग का काम किया गया है, बॉक्स लगाकर पॉइंट्स बनाया गया है। दोस्तों, फिलहाल यहाँ से नज़र डाल लीजिएगा, ये यहाँ पर स्टॉपर भी दोस्तों बनाया गया है। और किसी टाइम में दोस्तों यहाँ पर बड़ा सा तालाब हुआ करता था जो रेल विभाग के अंडर में आता था। यहाँ पर मिट्टी पटान का काम होने के बाद यहाँ पर दोस्तों ट्रैक बिछा दी गई है। ये स्टॉपर यहाँ पर बनाया गया है, ये सीधी ट्रैक है। दोस्तों, सीधे हम पंडाल की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं और दोस्तों वीडियो बनाने का हमारा मकसद था दोस्तों आपको दिखाना कि यहाँ से ट्रैक जोड़ी गई है। फिलहाल पीलीभीत से जुड़ी पल पल की अपडेट मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। दोस्तों, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, फिलहाल ये देखिए, हम उस पंडाल की तरफ आ चुके हैं जो रेल विभाग का बना हुआ है। दोनों ट्रैक के बीच में दोस्तों ये पंडाल बनाया गया है। फिलहाल यहाँ से एक कैची और डाली गई है स्टॉपर के लिए। अभी हम आपको दोस्तों क्रॉसिंग की तरफ से होते हुए और प्लेटफार्म नंबर 3 व 4 की ट्रैक पर चलकर दिखाएंगे। दोस्तों, चलिए अब हम आगे देखते हैं, यहाँ से नज़र डाल लीजिएगा। ये मंडी समिति क्रॉसिंग से स्टेशन की तरफ जो ये ट्रेन ट्रैक गई है दोस्तों, ये सामने आपको पंडाल दिख रहा है। ये अधिकारियों का जो इसमें वायरलेस सिस्टम और टेलीफोन रखा हुआ है एक जगह से दूसरी जगह कांटेक्ट करने के लिए। फिलहाल यहाँ से नज़र डालिए, ये दोनों ट्रैक सीधी प्लेटफार्म नंबर 3 व 4 की तरफ सीधी गई हैं और इन्हीं ट्रैकों को दोस्तों बरेली वाली मेन ट्रैक से लिंक कर दिया गया है। फिलहाल आगे चलकर हम आपको अभी दिखा रहे हैं और दूसरा पंडाल दोस्तों जो लगा हुआ है वो भी दिखाएंगे। सीधी ट्रैक प्लेटफार्म नंबर 4 की तरफ दोस्तों जा रही है और लेफ्ट साइड वाली प्लेटफार्म सीधी ट्रैक दोस्तों जो प्लेटफार्म नंबर 3 और 4 की तरफ गई हैं। अभी दोस्तों यहां से नज़र डाल लीजिएगा, फिलहाल ये सामने ये बैरिकेडेड दोस्तों लगा दी गई हैं यहाँ पर, और ये सीधे बरेली की तरफ का व्यू है। सामने आपको एक पंडाल और नज़र आता होगा रिले रूम की बिल्डिंग के बराबर में। दोस्तों, अभी हम आपको वहाँ पर भी लेकर चल रहे हैं। फिलहाल दोस्तों ये देखिए, यहाँ से
ये रेलवे रूम की बिल्डिंग है, दूसरा पंडाल यहाँ पर बंधा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर टेलीफोन और कुछ वायरलेस यहाँ पर रेल अधिकारियों के रखे हुए हैं। फिलहाल यहाँ से नज़र डाल लीजिए, ये स्टेशन की साइट का व्यू है दोस्तों, इंटरलॉकिंग से जुड़ी। अगर आप वीडियो देखना चाहें तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो